दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का स्वागत करता हूं पिक्सल स्नैपशॉट की टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 7 के अंदर। तो दोस्तों, ये हमारा एक तरीके से लास्ट पार्ट है और इसके बाद एक पार्ट और बचता है जो कि है लाइव चार्ट्स का, जिसको हम अगली वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, ताकि ये पार्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और जितना भी आप लोगों ने सीखा है दोस्तों, उसका मुझे कुछ फीडबैक दें, कुछ कमेंट्स दें, ताकि मुझे भी पता पड़े कि आप लोगों ने मेरी वीडियो से कितना कुछ सीखा है या फिर कुछ अंडरस्टैंड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ताकि हम उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर सकें और आपके क्यूरियोसिटी पे सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले फंड मैनेजमेंट के बारे में या फिर आप कह सकते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट करें और देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की, और ये टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों आपको काम आएगा क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट दोनों ही जगह पर, जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हैं। और ये है दोस्तों उसका पार्ट 7, और एक तरीके से कह सकते हैं लास्ट पार्ट भी है और लास्ट सेकेंड पार्ट भी है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, टीए में क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं, जापानीज कैंडलस्टिक क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पैटर्न क्या होते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या होता है। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं फंड और मनी मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद हमारा बचता है एक आखिरी टॉपिक जो कि होगा लाइफ चार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, फंड और मनी मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? तो जो भी मनी आपके पास है उसको आप किस तरह से मैनेज करें जिससे आप अपने लॉसेस को कम कर सकें और प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकें। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो में बता चुका हूँ कि हमें क्या क्या रिस्क और रिवॉर्ड रेशो रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए और आपको किस अमाउंट पर किस तरीके से आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपको ये देखना है कि अगर हम हमारी मनी जो हम लोगों ने पुटअप करी है किसी भी स्टॉक में, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो उसको हम किस तरीके से एक सेफ जोन में लेके चले कि मार्केट अगर अप डाउन होता है तो हमारा पैसा हमारे हाथ में हो उस टाइम बाय करने के लिए, या फिर अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो हम थोड़ा सा पैसा अपने पास रख सके। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। यहां पर बताने के लिए मुझे जाना होगा पेंट पे, ताकि हम आपको थोड़ा अच्छे से यहां पे समझा सकें। बेसिकली दोस्तों, जब हम बात करते हैं फंड के मैनेजमेंट की, तो यहां पे बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, आप जितना चाहे अनलिमिटेड पार्ट तक अपने अमाउंट को यहां पे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम दोस्तों बात करते हैं सिंगल पार्ट की, तो हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट है $100, और हम इसी से यहाँ पर ट्रेडिंग को कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है इस $100 को कन्वर्ट करना बहुत ही जल्द $1,000 के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड के थ्रू अपने इस गोल को अचीव करने वाले हैं, और ये हमारा फंड भी करेंटली है जो कि हमने लगाया है और जिससे कि हम इतना यहाँ पर गोल अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको 1 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका सिंपल सा मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि हमारे पास जो 100 यहाँ पर डॉलर्स पड़े हुए हैं, उसको हमने पूरा की पूरा किसी एक कॉइन के अंदर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है, मतलब कि उस कॉइन को हमने बाय कर लिया है, और जब उसका प्राइस यहाँ पर इंक्रीज होगा तब हम उसको यहाँ पर कर देंगे सेल, और जो भी प्रॉफिट हमारा होता है 10%, 20%, जैसे सपोज करते हैं 10% का प्रॉफिट, उसको हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं 1 पार्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस पार्ट में पूरी की पूरी में दिक्कत यह है कि अगर आपका कॉइन यहाँ से अप जाने की बजाय डाउन चला गया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा, फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और आपको अपना फंड निकालना पड़ेगा, जिसमें आपका फंड क्या होगा $100 की बजाय वो फंड आपका हो सकता है स्टॉप लॉस लगाने के बाद हो जाए सिर्फ $90। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर 10% प्रॉफिट भी कमाएंगे तो वो आपका जो प्रॉफिट होगा वो निकल के यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ $9 का। तो ये थोड़ा सा कंसर्न दोस्तों इसमें बन जाता है, स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है, लेकिन ये होता है दोस्तों फन पार्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब बारी आती है दोस्तों 2 पार्ट इन्वेस्टमेंट की। जब हम बात करते हैं 2 पार्ट इन्वेस्टमेंट की, तो हम फिर से वही एग्जाम्पल लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर फिर से जो है वो है $100, हमारा गोल है यहाँ पर $1,000 तक का। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जो भी कॉइन को या फिर जो भी स्टॉक को हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे तो इस अमाउंट में से हम लोग क्या करेंगे 50% अमाउंट जो होगी इसकी, हाफ अमाउंट,
तो इसमें से 50% अमाउंट जो होगा उसको हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, जो भी हमारा रेट चला है, जो भी हमारा टेक्निकल एनालिसिस उस पर करा है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कॉइन है जो कि फिलहाल यहाँ पे $10 का है, तो सॉरी $10 का यहाँ पे चल रहा है, तो हम उसमें यहाँ पे 50% मतलब $50 को इंक्लूड कर देंगे, जिससे कि हमको उसके यहाँ पर मिल जाएंगे टोटल 5 कॉइन्स। और इसके बाद दोस्तों जब हमारे पास 50% अभी भी हमारा जो फंड है $50 का, वो यहाँ पे सेफ रखा हुआ है, तो अगर बाई चांस ये जो आपका कॉइन है ये यहाँ से अप जाने लगता है, तो आप इसके अंदर एक और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि हो सकती है आपके $12 के ऊपर। और यहाँ पर आपको जो भी कॉइन्स मिलेंगे, जो भी आपके 4.8 समथिंग जो भी कॉइन्स मिलते हैं, वो आपको इस $50 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से मार्केट क्रैश होता है और वो चले जाता है यहाँ पे $8 पे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉफिट, और आपके पास जो $50 बचे थे आप उसमें यहाँ पर 5.2 या समथिंग जो भी कॉइन्स आपके बनेंगे आप वो यहाँ पर आप इजिली कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये होता है हमारा 2 पार्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसके अंदर भी दोस्तों छोटा सा इशू ये है कि अगर ये मार्केट 8 के नीचे और चला गया तो हमको फिर से स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, और हमारा जो फंड है वो वहाँ से भी आधा होने की संभावना है, जो कि हम यहाँ पे $100 को लगा रहते, हो सकता है वो फिर से $90 हो जाए। और जब आपका यहाँ से फंड रिकवर करे तो आपका टोटल फंड 20% जाने के बजाय सिर्फ 15% ही यहाँ से रिकवर कर पाएगा, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। अब इसके बाद दोस्तों जो बात आती है वो आती है थ्री पार्ट फंडेड की। सेम तरीके से जैसे हमने फोर और टू में देखा, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर फिर से $100 हैं, हमें कॉइन को बाय करना है, तो हम इसके क्या करेंगे, 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट कर देंगे। पहला पार्ट होगा हमारा बड़ा, जो कि होगा 50%, दूसरा पार्ट होगा हमारा 25%, और तीसरा होगा दोस्तों हमारा 25% का। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उस कॉइन को बाय कर लेंगे जो भी रेट वहाँ पर चल रहा होगा, जो भी हमारा टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पर कहेगा। फिर जैसे ही वो कॉइन वहाँ से डीप लेगा हम उसको फिर से बाय करेंगे, और अगर कॉइन यहाँ पर जो ये 25 फंड हमारा बचा हुआ है हम इसको यहाँ पे कर देंगे सेफ अमाउंट, क्योंकि अगर ये कॉइन जो है ये अपने प्राइस से और भी ज़्यादा डाउन आ जाता है तो हम एकदम बॉटम पे जाकर इस अमाउंट से उस वैल्यू को यहाँ पे खरीदने वाले हैं। अगर वो कॉइन इस पोजिशन के बाद यहाँ से अप जाने लगता है तो हम उसको यहाँ मिड पॉइंट पर खरीद लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होगा, हमारा पूरा की पूरा फंड मैनेज रहेगा और यहाँ पर हमको लॉसेस के चांसेस नहीं देखने को मिलेंगे। सेम तरीके से दोस्तों अगर आप अपने पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, फंड को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं 4 पार्ट मैनेजमेंट। इसमें हम सपोज करते हैं हमारे पास फिर से $100 है और हमको फिर से अपना फंड यहाँ पर बचाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम हमारे फंड को 25% के 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। इस पार्ट को डिवाइड करने से दोस्तों ये होगा कि लास्ट पार्ट जो होगा वो तो हमारा हमेशा सेव हो जाएगा, जब हमको एकदम बॉटम मिलेगा किसी भी चीज़ का, और तब हम इस फंड को यहाँ से यूज़ करेंगे ताकि हम यहाँ से जो लॉस होते हुए आएगा उसको पूरी की पूरी तरीके से यहाँ से कवर अप कर पाए। तो सपोज करते दोस्तों हमने कोई सा कॉइन है उसको यहाँ पे $10 पे खरीदा, फिर वो $8 पे हमने फिर से उसको खरीदा, फिर हमने उसको $6 पे फिर से खरीदा, लेकिन वो कॉइन अभी भी और नीचे गिरे जा रहा है, और सपोज करते हैं कि हमारे पास ये फंड पड़ा है और अब हम यहाँ पे खरीदना बंद कर चुके हैं। अब हमने देखा कि वो कॉइन जाके $2 पे स्टेबल हो गया है, तो हम ये 25% जो फंड होगा वो $2 में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों कि जो आपका फंड होगा वो यहाँ पर एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और आपका जो प्रॉफिट रेशो है वो एक तरीके से प्रॉपर बना रहेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा इजीली समझ सकते हैं, आपके पास $10 पे आपने 25% यहाँ पर ख़रीदा जो आपका 100 था उसमें, तो आपने यहाँ पर टोटल $25 उनको दिए हैं, और यहाँ पर $25 देने के बाद आपके पास यहाँ पर 2.5 कॉइन्स आ गए हैं। हम इसका यहाँ से जो प्रॉफिट रेशो वो बाद में डिसाइड करेंगे। यहाँ पर फिर आपने उसको $8 पे फिर से ख़रीदा 25% के ऊपर, और यहाँ पर आपको फिर से लगे $25। अब आपने जब 8 पे उसको ख़रीदा तो आप 8 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो 25 को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 25 को हम लोग यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3.125 टोकन्स टोटल मिल गए। यहाँ पर आप फिर से जाएंगे, आपने उसको $6 पे फिर से ख़रीदा, 25% आपने अमाउंट फिर से लगाया, और यहाँ पर आपको $25 आपने लगाए। यहाँ पर जब आपने लगाए तो आप इसको फिर से यहाँ पे देख पाएंगे कि आपने इस बार जो ख़रीदा वो 6 पे ख़रीदा, तो आपने 25 को डिवाइड कर दिया 6 से, यहाँ पर आपको जो आउटपुट आएगा वो आएगा 4.16 का।
तो इस तरीके से दोस्तों, और यहाँ पर आपने जो था खरीदना बंद कर दिया था, और उसके बाद आपने बॉटम को देखा और बॉटम पे जाके आपने $2 खरीद लिया। मान लीजिए कॉइन $1.5 तक चला गया था, लेकिन आपने वहाँ पे वेट करा और जब मार्केट थोड़ा ऊपर आने लगा तब आपने $2 पे उसको बाकी बचे हुआ जो 25 फट था जो कि हमने सेफ रखा था उससे यहाँ पर खरीद लिया। तो यहाँ पर जब आप $25 को 2 के हिसाब से यहाँ पर खरीदेंगे तो यहाँ पर आपको करीबन करीबन जो कॉइन्स है वो यहाँ पर मिल जाएंगे 12.5 कॉइन्स। अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉफिट किस तरीके से होगा, आपके फंड को मैनेज करने का क्या तरीका रहा है, तो मेरे लिए सबसे पसंदीदा जो चीज़ होती है वो होती है 3-part और 4-part इन्वेस्टमेंट जो कि मैं मैक्सिमम करता हूँ। इस पार्ट को करने से आपको प्रॉफिट क्या होगा कि यहाँ से अब आपकी जो लॉस कवरी जो यहाँ पर हो रही थी, जो आपको लॉस यहाँ से कंटिन्यू हो रहा था वो यहाँ से रिकवर हो जाएगा, और आपके पास जो सारे मौके थे कहीं आपसे जो बॉटम है वो छूट ना जाए वो सारे आप यहाँ पे पकड़ पाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपने क्या करा, जब आपने $2 पे खरीदा तो आपको यहाँ पे मिले 12.5 कॉइन। मान लीजिए सपोज करते हैं कि ये $2 से बढ़ के सिर्फ $4 होता है, तो अब आप इसका इंटू यहाँ पे कर पाएंगे 2 में। ऑलरेडी आपने $25 पहले से लगा रखे हैं, अब आपके यहाँ पे 12 पे और $2 बढ़ गया, तो इन द सेंस आपका जो $25 था वो बढ़कर यहाँ पर हो गया है $50। तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो फिर से आपका जो फंड था वो आपका जो $4 तक गया हुआ था वो फिर से मान लीजिए आ गया $3 पे। तो आपके पास जो फंड है आपने इस $50 में से फिर से यहाँ पर $25 का फंड इन्वेस्ट कर दिया। अब ये 25% का फंड फिर से आपने इन्वेस्ट करा, फिर से ये बढ़ेगा, प्लस आपके पास इस बार यहाँ का कॉइन है और मान लीजिए $8 तक जाता है, तो आपके पास यहाँ पर जो कॉइन्स हैं वो पहले 12.5 थे और अभी आपने जब वापस उसको ख़रीदा होगा तो मान लीजिए आपको थोड़ा सा कम होगा तो आपके 6.5 होंगे। तो टोटल ओवरऑल अब आपके पास 10 point something कॉइन्स हैं और आपके पास $25 प्लस $25 हैं, और आप चाहते हैं ऐसे पूरा $50 को भी इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप पूरा 50% इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 12 कॉइन्स वापस से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस $1 बढ़ चुका है। अब यहाँ पे आपके पास जो 12 और 4 16 कॉइन्स हैं, जब वो 16 कॉइन आप यहाँ पे बेचेंगे तो टोटल जो आपका फंड है दोस्तों वो यहाँ पर था $75 का जो कि आप यहाँ पे लगाया था, और जब वो आपका कॉइन यहाँ पे बढ़कर $8 तक गया तो आपने जो कॉइन $3 पे खरीदा था उसकी वैल्यू यहाँ पर $8 की पहुँच गई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। इन द सेंस यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो आपको हुआ $5 का, और जो दूसरा कॉइन था जो कि आपने खरीदा था $6 पे वो यहाँ पे बढ़ गया था $8 तक। इन द सेंस आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ $2 का। तो आपने जो 6 पे 4 कॉइन खरीदे होंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी करीबन $8 के आसपास, और जो आपने 5 पे 12 कॉइन खरीदे थे वहाँ से आपको मिल जाएंगे $60 के आसपास। तो यहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुक देखेंगे तो 60 + 8 = 68 + यहाँ पर आप 75 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट बुक आने वाला होगा 75 + 68, तो यहाँ पर आपके बन जाएंगे 68 + 75, तो यहाँ पे आपके बन जाएंगे $143 के आसपास का फंड। तो यहाँ पे दोस्तों अभी भी आपके पास और भी चांसेस है, जो कि आपने $10 और $8 पे खरीदा हुआ है जिसको आप और भी ज़्यादा हाई प्राइस पे बेचने वाले हैं, तो अगर बाई चांस ऐसे मार्केट फिर से क्रैश होता है तो आप फिर से उसको बाय कर पाएंगे और फिर अच्छे प्राइस पे आप सेल कर पाएंगे। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रही होगी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ भी आ गई होंगी। सो थैंक यू दोस्तों, यही था इस वीडियो के अंदर, बस इतना ही आप सभी को बताना था। यहाँ पे कुछ अलग अलग पार्ट्स के इन्वेस्टमेंट है, अगर आप में से किसी भी पार्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं चाहे तो आप इन पार्ट्स के इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 5 part 6 part जो भी आप करना चाहें, आपके फंड के ऊपर टोटली डिपेंड होगा, या आप 1 part 2 part के अंदर भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। पर मेरी तरफ से आपको सलाह यही रहेगी कि आप 4 part इन्वेस्टमेंट करें या 3 part इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो यहाँ पे एक स्टेबल चीज़ है। अगर आपसे कोई बॉटम छूट भी जाएगा तो आपको वहाँ पे अफसोस नहीं होगा क्योंकि आप ऊपर से चीज़ों को खरीदते हुए आए हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और यहाँ पे हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज है वो यहाँ पे फिनिश होती है, एक लाइव चैट बचा है उसको हम अगली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ तक पूरी की पूरी सारी थ्योरी पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, और जो भी होगा वो सारा प्रैक्टिकल पार्ट होगा। सो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप सभी ने कुछ अच्छी यहाँ से वैल्यूज कलेक्ट करी होगी और बहुत सारा चीज़ों का यहाँ पे सीखा होगा। सो बस दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। सो अगर दोस्तों आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में आता रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, प्लस आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा आप अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।